माचिस में लगा के छुट्टी जाना और जो कोई भी दूर सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना, वो बोली ठीक है माँ। ऐसे कहकर वो अपने ससुराल की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता वो उन सब के पैर छूती गई। सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, इस तरह आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंच गए। उसकी जिद के आगे हार कर सबने कहा ले चलो इसे साथ में। वो साथ साथ शमशान भी चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये देखकर सब कहने लगे पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। ये देखकर सभी बड़ों ने निर्णय लिया कर आके प्रावण ने वीरो नु किया वेख वीरो तेरा चंद निकल आया है। वीरो ने पूछया भाबिया दा ते चंद नहीं निकलिया ते मेरा चंद किवें निकल आया। प्रावा ने पोली पैन नु किया कि भाबिया दा चंद राजा की सुइया कटदे कटदे एक साल हो गया। फिर एक साल बाद हम जितने भी देशवासी हैं उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बात मुबारकबाद देना चाहूंगी। जितनी भी हमारी नारी हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें हैं, उन सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक है। आज करवा चौथ का व्रत है, हम सब ने व्रत रखा हुआ है और मेरी सभी सहेलियां जो आसपास रहती हैं वो घर पे आई हुई हैं करवा चौथ सेलिब्रेशन के लिए। और ये हमारा जो संस्कृति है बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है और मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी ये संस्कृति है उसके प्रति जो हमारी भावना है, जो हमारी भक्ति और आस्था है वो अभी तक बरकरार है और हमारी जो यंगर जनरेशन को ज़रूर इसके बारे में भी सोचना चाहिए और हमारी फॉलो करना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और जो ये महत्व है करवा चौथ के व्रत का वो बहुत ही बड़ा महत्व है। जो शास्त्रों में लिखा गया है ये व्रत जो है इतना शक्तिशाली है कि कहते हैं ना कि जैसे हम नारियों ने ये व्रत रखा है, बहनों ने, जितनों ने भी व्रत रखा है, कहते हैं कि आपकी जो पति की आयु है इस व्रत से के रखने से बहुत लंबी होती है और उनकी मानसिक शारीरिक कोई भी कष्ट हो उनके दूर हो जाते हैं। चाहे धन संपत्ति से के प्रति कोई भी ऐसी चीज़ हो
वो भी माता रानी कृपा करती हैं और धन संपत्ति भी मिलती है। और जितनी भी हमारी बहनें हैं देश विदेश में कोने कोने में, उन सब बहनों को आज हम सबकी तरफ से करवा चौथ का ये व्रत मुबारक हो और उनके परिवार में, आप सबके परिवार में, हम सबके परिवार में सुख संपत्ति शांति और समृद्धि हो। धन्यवाद।